साथियों जय हिंद नमस्कार। कि ना थके हैं कदम अभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं कदम अभी ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसीलिए सफर जारी है। आपके कुछ सवाल है वो मैं इस वीडियो में लिया हूं भाई। आपने जो आपका जो कॉमन सवाल आ रहा है ना, सारा बच्चा का जो कॉमन सवाल आ रहा है, बाने ही वीडियो में अपना डिस्कस कराना, ताकि फिजिकल से जुड़े हुए भी कुछ सवाल है, कुछ सवाल आपका यानी कि जो डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए वह भी सवाल है, और कुछ आपका आरएसी और सिविल पुलिस दोनों से जुड़े हुए कुछ कट ऑफ का बारे में सवाल है। तो कट ऑफ तो देखिए अपन कवर करेंगे, आरएसी और सिविल पुलिस दोनों की कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस रह सके। अब की बार आरएसी को पेपर लास्ट में लागू तो आरएसी का थोड़ा पेपर ईजी आया, यानी कि जो सिविल पुलिस के मुकाबले आरएसी का पेपर वो थोड़ा ईजी हुआ था। इस वजह से देखो आप भी सभी कमेंट करके हमें बता रहे हो सर हमारा पेपर इजी हुआ था और हमने अच्छे नंबर स्कोर करे हैं, यानी कि किसी 125 कोई बच्चा 125 के आसपास पहुंच रहा है, कोई 135 के आसपास पहुंच रहा है, कोई 120 पे जा रहा है। तो इसी वजह से आरएससी और सिविल में थोड़ा डिफरेंस रह सकता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं रहेगा डिफरेंस। सबसे पहले जो थांकोसा वाला आया हुआ है कि फिजिकल के बाद में पहले मेडिकल होगा या पहले मेरिट लिस्ट आओगी, तो यो सवाल एक जायज सवाल हो और सभी को सवाल हो, यानी कि ज्यादातर बच्चों को यही सवाल हो कि सर फिजिकल के बाद में एक फाइनल आपका मेरिट लिस्ट आओगी या पहले मेडिकल होगा, तो फिजिकल के बाद में पहले अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट आओ। फाइनल मेरिट लिस्ट में कहीं हुए देखो आपको फिजिकल हो जाओगे, फिजिकल के बाद में कहीं है कि आपने यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट डालेगा, तो जी टाइम पर माँ की फाइनल मेरिट लिस्ट डालेगा तो भी टाइम पर कहीं है कि रात में यानी कि मानो आप दो बजे के आसपास में हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट डली थी। तो यही है कि आपकी भी यही उम्मीद रहेगी कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट डलने के बाद में अगर आपको मालूम भी नहीं चलेगा ना तो भी आपको कॉल करके बताएंगे। तो मेरे को तो मालूम चला नहीं था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से ही कॉल गया था, यानी कि एसपी ऑफिस से कॉल गया था कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ पे तो फोन करके बुलाया जाता है भाई, फोन किया जाता है तो मैंने कि अपनी मेरिट लिस्ट आ गई। मॉर्निंग में मेरे पास 7 बजे फोन जाता है, रात में 2 बजे मेरिट लिस्ट डलती है, मॉर्निंग में 7 बजे फोन जाता है। तो मैं सोचा हूँ यार ये कोई अपनों ही कोई भाई है जो मजाक कर रहे हो, लेकिन फिर वास्तविकता में बताया, मैं वास्तविकता में बोल देखो मैंने वास्तव में यार अपनी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और मैं देखो तो सिलेक्शन भी हो चुके हैं, मैंने कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को बताया भाई थाने में जाना होता है और थाने से एक आपने यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र बना लेना हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन बनाए बाद में कहीं होती यानी कि आपने अगर किसी भी बच्चे के कोई संबंधित केस वगैरह है तो उसका वो वेरीफाई करके देते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन बनाने के बाद में फिर डायरेक्ट आपने पुलिस लाइन में बुला ले, फिर बी के बाद में कहीं कराए जाओ, पुलिस लाइन में बुलाया बाद में फिर कहीं वो फिर मेडिकल पे लेके जाओ। लेकिन देखो एक अपने अंदर जुनून हो कि आप पहली बार पुलिस में एंटर करा तो आप यहाँ हो कि वास्तव में आपने सर्विस लाभ चुकी है, एक अलग ही तरीको आप फील करा। लेकिन बी के बाद में भी कहीं होगा कि कुछ बच्चा ने मेडिकल में आउट कर दे, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में भी मेडिकल में कुछ बच्चा ने फेल करें, तो जिसे जेन्युइन प्रॉब्लम है जी के वास्तव में कहीं टूट फूट है या वास्तव में कोई आंखा में प्रॉब्लम है तो वह नहीं फेल करे, बाकी नॉर्मल मेडिकल होगा सरकारी अस्पताल में मेडिकल होगा, एक डॉक्टर को एक टीम बैठे व टीम ही आपको मेडिकल करे। तो पहले फाइनल मेरिट उसके बाद में मेडिकल, क्लियर। दूसरा सवाल आ रहा था यानी कि फिजिकल कट ऑफ और फाइनल मेरिट। फिजिकल कट ऑफ अगर आपकी फिजिकल कट ऑफ यानी कि 95 रही ना, 95 नंबर वालों को अगर फिजिकल में बुलाया ना तो फाइनल मेरिट 102 से 105 के बीच में रहेगी, 102 से 105 के बीच में रहेगी। ये 95 क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 गुना आते हैं, अरे 5 गुना स्टूडेंट आ जाऊंगा, अरे फाइनल सिलेक्शन होगा ना वाने बुला ले जाऊंगा, तो अनुमानित कट ऑफ यही रह सका आपकी यानी कि 105 107 या 110 के आसपास में अनुमानित कट ऑफ रह सके, क्योंकि 110 तक वहां जा सके, 110 से 115 तक भी जा सके कुछ डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि पद काफी कम है और बच्चा काफी ज्यादा है, तो आईडियो मान सको आप 105 से 110 के बीच में। पहले फिजिकल की मेरिट अगर आपकी 95 रहेगी तो फाइनल मेरिट आपकी 105 से 110 के बीच में रहोगी। डॉक्यूमेंट्स कहीं चाहो, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है डॉक्यूमेंट्स अभी से बना लो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नया डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं हो चाहो आपने जाति प्रमाण पत्र बना लो। एक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 3-4 बना लेना आपने, एक तो स्कूल वालों जहां से आप फाइनल स्कूल करे या आप फाइनल कॉलेज करे तो वो, एक आपके सरकारी कर्मचारी को और दो आपके सरपंच को लिखवाएगा, तो 3-4 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, एक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये हेल्थ सर्टिफिकेट है वो तो आपको बाद में ही बनाना, जब आपका फिजिकल का कॉल आएगा उसके आसपास में बना लेना, चरित्र प्रमाण पत्र भी जल्दी बना लेना। अभी तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, अगर मूल निवास नहीं है तो मूल निवास बनाना है,
और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड वगैरह मार्कशीट वगैरह वो सारे आप कंप्लीट रखें अभी, तो ये प्रोसेस आपको करना है डॉक्यूमेंट्स का। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब आरएससी कट ऑफ और सिविल पुलिस की कट ऑफ में क्या डिफरेंस रह सकता है, तो देखो थे सारा ही बता रहे हैं, मान तो मालूम को नहीं, लेकिन थे सारा था सारा का ही कमेंट आया। कोई बताया कि सर अगर कोई सिविल पुलिस में है, कोई 13 तारीख को कोई पेपर देकर आया तो वो बंदो 110 से ज्यादा कमेंट ना कर लो, 110 से 115 पर रुक लो। लेकिन जो आरएससी का जो पेपर देके आया था, यानी 16 तारीख वाला जो पेपर देके आया था, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सर हमने 120 प्लस किए हैं, 125 प्लस किए हैं, और कुछ बच्चों के 130 प्लस के आसपास में कमेंट आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तीन चार पांच नंबर का यहाँ पे डिफरेंस रह सकता है, 3-4-5 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, क्योंकि पेपर इजी आता है तो सभी बच्चे उनको अच्छे तरीके से करके आएंगे। अगर आपका पेपर टफ आ रहा है तो वहां पे कट ऑफ भी कम रहेगी, बच्चे भी कम क्वेश्चंस करके आएंगे। तो ये जनरल क्वेश्चंस आप सभी के थे, तो इनको यानी कि जवाब देना भी जरूरी था। इसीलिए दोस्तों अगर फिर भी कोई अपडेट आती है, आंसर की से जुड़ी हुई कोई अपडेट आती है, फिजिकल से जुड़ी हुई कोई अपडेट आती है, तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। और फिजिकल निःशुल्क फिजिकल की जो वर्कशॉप है वो भी हम चालू करेंगे यहाँ पे बूंदी में ही अपन चालू करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी से कुछ भी नहीं करेंगे। जब आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद में आप सभी एक्टिव होंगे और आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो मेरे आसपास के बच्चे हैं ना, सारे जो मेरे आसपास के स्टूडेंट हैं उनको बुलाया जाएगा और उनको यहाँ पे फिजिकल की फ्री ट्रेनिंग देंगे। जो आपका पुलिस परेड ग्राउंड है उसी में यानी उनको ट्रेनिंग देंगे, वो रहेंगे तो अपने हिसाब से, लेकिन शाम शाम को आ जाया करेंगे घंटे दो घंटे के लिए, ताकि उनको प्रॉपर फिजिकल का जो प्रोसेस होता है उससे गुजारा जाए। अगर अब भी कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें आप, ताकि उस पर भी मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। अगर वो सभी का संबंधित है, सभी से संबंधित है, तो ही उस पर अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।